हेलो गाइस, कैसे हो। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि भाई ये बताओ कि दुबई में सबसे ज़्यादा वर्कर किस देश का रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस देश का वर्कर काम करते हैं। बहुत सारे भाइयों का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो मैं सोचा जस्ट ये आपके माइंड क्लियर करने के लिए सवाल है कि एग्जैक्टली मैं बताने वाला हूँ कि इस देश में दुबई जो है यूएई में, दुबई तो एक सिटी है दोस्तों, यूएई एक देश है समझो, यूनाइटेड अरब इमारात, तो इसमें किस देश का वर्कर ज़्यादा काम करते हैं। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों मैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है भाई लोग का, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से उनका कन्फ्यूजन दूर करूँ, क्योंकि ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद वर्कर हूँ, तो यहाँ की रियलिटी या डे टू डे लाइफ में जो होता है वो मैं सिर्फ आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्टली बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 करोड़ लगभग, एक एग्जाम्पल नहीं ये हकीकत है कि 1 करोड़ यूएई की राजधानी है, पूरा आदमी 1 करोड़ है लगभग, जिसमें 15 लाख ही सिर्फ यहाँ का निवासी है, मतलब अरबी लोग हैं यहाँ का, बाकी 85 लाख, आप समझ लो 85 लाख दूसरे कंट्री के लोग हैं, मतलब वर्कर हैं, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, आप समझ लो। 1 अरबी के पीछे 8,500 आदमी, एक मिसाल के तौर पर समझ लो, और ये रियल है दोस्तों। तो ये, और यहाँ पे कम से कम 200 कंट्री के लोग रहते हैं, हर कंट्री के लोग यहाँ आपको मिलेंगे, मगर वर्कर लाइन में आपको देखिए मिलेगा इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, यही 4-5 कंट्री का, अभी सूडान के लोग यहाँ पे ज़्यादा आने लगे हैं, लेकिन जितना ये सब कंट्री के लोग हैं उतना नहीं है, बट मतलब और सब कंट्री के मुकाबले ये 4 कंट्री के छोड़ के सूडान के भी लोग यहाँ पे ज़्यादा भी। इस बात में कितनी सच्चाई नीचे कमेंट में बॉक्स में यह ज़रूर लिखना दोस्तों, अगर आप दुबई से मेरा वीडियो देख रहे हो, कि यहाँ पे पहले मतलब अभी सूडानी लोग ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, मगर यहाँ पर आपको देखो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ ये इस तरह का लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इंडियन लोग हैं, इंडियन वर्कर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे इंडियन वर्कर है दोस्तों। एक जब यहाँ पे डाटा ये हुआ था, सर्वे हुआ था, तो लगभग 30 से 32 लाख जो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था दोस्तों, 30 से 32 लाख यहाँ पे इंडियन वर्कर काम करते हैं, वर्कर या ओनर या जो भी है, मतलब टोटल मिला के। और बाकी उसके बाद है पाकिस्तान के लोग हैं, फिर बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का वीज़ा बंद होने के कारण दोस्तों यहाँ पे कम है, नहीं तो बांग्लादेश के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका वीज़ा बंद है, बहुत सारे दिनों से बंद है, इसके लिए जो पहले ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनका वीज़ा ही उसी टाइम से रिन्यूअल हो रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है इंडियन वर्कर ज़्यादा है, दूसरा पे पाकिस्तान का वर्कर ज़्यादा, फिर बांग्लादेश का, फिर नेपाल का, बाकी अभी सूडान का, बाकी थोड़ा बहुत हर कंट्री का लोग है यहाँ पे, हर कंट्री का बोल रहा हूँ। यह है कि वर्कर लाइन में ये सब ही 4-5 कंट्री के लोग हैं, बाकी सब प्रोफेशनल लाइन में, ऑफिस लाइन में, ये सब फिलिपिनी लोग भी है, तो ये लोग ज़्यादा ये में आपको मार्केट में मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा, मेडिकल फील्ड में भी मिलेगा, वर्कर लोग भी हैं मगर कम है। तो भाइयों का कमेंट यही था, तो मैं सोचा मैं अपने जो भी यहाँ का एक्सपीरियंस था वो बस शेयर किया। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दे, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।